नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। लल्लूराम.com पर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी कहते हैं कि आने वाले दिनों में यानी मार्च 2019 तक गंगा मैया 70-80% तक साफ हो जाएंगी और दिसंबर तक 100% सफाई का काम कर लिया जाएगा। वैसे इन बातों पर गंगा जी के तट पर रहने वाले जो लोग हैं वही भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन गडकरी जी इन बातों को कह रहे हैं। गंगा प्रदूषित करने वाली 1109 इकाइयों में से 291 जो हैं उनको बंद कर दिया गया है, कुछ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कुछ को नोटिस थमा दिया गया है। एक बात और है कि 20,000 करोड़ रुपया जो दिया गया था मोदी सरकार के द्वारा गंगा सफाई अभियान को लेकर, नमामि गंगे जो अभियान चल रहा है उसके तहत, उसके अलावा 195 अन्य परियोजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन धरातल में कुछ और चीज़ें नज़र आती हैं। ये सब बात कहने का करने का औचित्य ये है कि आज है गंगा अवतरण दिवस। आज के दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी, लेकिन माँ गंगा ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि पृथ्वी पर आने के बाद, पृथ्वी के लोगों का इतना भला करने के बाद पृथ्वी के लोग ऐसा करेंगे। हमें भी उम्मीद है कि माँ गंगा मोक्षदायिनी माँ गंगा के सफाई अभियान का काम आगे बढ़ेगा और एक दिन वो समय जरूर आएगा कि माँ गंगा 100% साफ हो जाएंगी। गंगा दशहरा देवी गंगा को समर्पित एक बड़ा पर्व है। इस पर्व को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसे गंगा अवतरण भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गंगा का अवतार। हिंदू पुराणों के अनुसार भागीरथ को अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए एक निर्मल जल की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने गंगा माँ की कठोर तपस्या की, लेकिन गंगा का बहाव तेज होने के कारण वह भागीरथ की इच्छा पूरी नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद उन्होंने भागीरथ से कहा अगर भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर पृथ्वी पर उनकी धारा को कर दें तो इच्छा पूरी हो सकती है। माँ गंगा के कथन अनुसार भागीरथ ने शिव की कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माँ गंगा शिव के कमंडल में समा गईं, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव की जटाओं में से गंगा जी को प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद शिव ने गंगा की एक धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित कर दी, जिसे भागीरथ ने अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जन किया। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन माँ गंगा की धरती में आगमन हुआ वह दिन गंगा दशहरा कहलाया। इस दिन भक्त माँ गंगा के जल में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा के जल में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होकर वो निरोग हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।